पॉजिटिव नेशनलिज्म को काम कर रही है। और आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारी सोसाइटी में वो रोजगार को लेकर है। तो देश की बात फाउंडेशन ने जब इस पर काम करना शुरू किया रोजगार के ऊपर, तो देखा कि देश के अंदर राष्ट्रीय रोजगार नीति ही नहीं है। आज हमारे देश की जो 63% आबादी युवा आबादी है और वो सब बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है कि जो युवा आबादी है वो या तो नशे की तरफ अग्रसर होगी या तो फिर वो क्राइम एक्टिविटीज की तरफ अग्रसर होगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को और आज की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए और उनको सही मार्गदर्शन करने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए देश की बात फाउंडेशन ने एक मुहिम स्टार्ट की। देश की बात फाउंडेशन बेसिकली पॉजिटिव नेशनलिज्म के ऊपर काम कर रही है, सकारात्मक राष्ट्रवाद की थीम को लेकर चल रही है। और सकारात्मक राष्ट्रवाद से हमारा जो तात्पर्य है वो देश को, देश के सभी नौजवानों को, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उन सबको एक सूत्र में पिरोकर देश को एक सूत्र में पिरोना है, देश को एकजुट करना है और देश की समस्याओं का निवारण करना है। हमारे देश की अगर हम बात करें तो सीधी सीधी महिलाओं की जो 50% आबादी है वो सीधे सीधे, मतलब ये समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में रोक है बेरोजगारी, अगर उनको भी रोजगार दिया जाए तो वो भी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत एक अहम भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ साथ यूथ, आज की डेट में स्किल बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन सही तरह से इम्प्लीमेंट ना कर पाना और सही प्रशिक्षण ना मिल पाना, जिसकी वजह से उनको रोजगार में, रोजगार हासिल करने में दिक्कतें हो रही हैं। और रोजगार की अगर हम बात करें तो देश के अंदर आज रोजगार सम्मान तो खत्म ही हो गया है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सारे कुछ चीज़ें तो बेची जा रही हैं, तो आज रोजगार है कहाँ? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। और मैं यहाँ पे किसी सरकार की खिलाफियत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि देश के अंदर जब संसाधन इतने भरपूर हैं हमारे इंडिया में, भारत देश में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। हिमाचल देख लीजिए आप, हिमाचल में सेब के लिए माना जाता है, हिमाचल टूरिज्म के लिए माना जाता है,